पोताई करने के लिए मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरा चूल्हा ही टूट गया। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं घर, अभी सो के उठे और हम लोग ना वहाँ पे हागी थाप रहे थे ना बाबू, हागी छेक रहे थे। अंबल चाहेंगे क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा इसका अब्बासा, मैं नहीं समझ रही तो आप लोग क्या समझोगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं घर और पूरा काम पड़ा होगा, फिर काम वाम करेंगे। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अभी हम नहा धो के आ गए हैं अपने किचन रूम में खाना बनाने के लिए। और जैसे मैं उधर से आई ना, तो वहाँ से आने के बाद मैं सीधा थोड़ा बहुत काम था, झाड़ू वगैरह लगाई और बर्तन भी थोड़े सही थे, तो उसी को धो के फिर मैं फटाफट से नहा ली हूँ। और इधर बैठे हैं बाबू मन, बाबू को तो ठंड नहीं लग रहा है इसलिए अपना जैकेट हाके ही निकाल देता है, पता नहीं क्यों इसको ठंड क्यों नहीं लगता है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है अभी भी, तो इसीलिए अभी हम साल छोड़ लिए हैं। और इधर हमारा बन रहा है चाय। सो ये देखिए, मस्त उबल चुका है हमारा चाय। और तो चलिए अभी चाय को उतार के फिर चावल चढ़ा देते हैं और इन लोग भी वेट कर रहे हैं चाय का। तो ठंड के टाइम में चाय पियो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है गर्मा गर्म चाय पीने से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ना चाय पी लेते हैं। और मैंने रात को खाना नहीं बनाई थी ना, बाबू मंग रहा था खाना, तो खाना तो नहीं है तो अभी फटाफट से बना के दे दूँगी। इसीलिए वो ना ब्रेड लेके आया है, तो ब्रेड खरीदने के लिए भेजी थी मैं, तो उसी के साथ मस्त अपना चाय पी रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो हेरे के पास मस्त बैठ के पी रहा है अपना चाय ब्रेड के साथ ना बाबू। और वो एक जन मस्त खेल खेल के है, ये देखिए काइट काइट है नहीं पोका। और अभी हम काटेंगे सब्जी, तो सबसे पहले सब्जी को मैं धो ली हूँ। हरी मिर्च और बड़ी की सब्जी बनाएंगे, तो मिर्च को मैं अभी काट रही हूँ। सभी मिर्च को मैं काट ली हूँ और इधर अभी हम तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में। और इधर बड़ी निकाल लेते हैं, तो धो के मैं निकाल ली हूँ बड़ी को भी। इधर हमारा मिर्च हो गया था तो उसको मैं निकाल ली हूँ और बड़ी को डाल दी हूँ। और इधर मैं ना साथ में ही प्याज को भी काटते जा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो बड़ी को भी थोड़ा सा फ्राई करके अभी निकाल रही हूँ मैं। और इधर फिर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं प्याज को भूनने के लिए। तो इधर अभी प्याज हमारा पूरा नहीं कटा हुआ है, तो चलिए अभी फटाफट से काट लेते हैं प्याज को भी। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमारी सब्जी बन चुकी है हरी मिर्च और बड़ी की। सो ये देखिए बन चुका है। और अभी मैं बनाऊंगी लाल भाजी का जोर। तो अभी ये वाला सब्जी को ना मैं इसमें निकाल लेती हूँ बर्तन में, तो चलिए अभी फटाफट से निकाल के ये वाला सब्जी भी फटाफट से बना लेते हैं। और अभी हम निकाल रहे हैं सब्जी को इस वाले बर्तन में, और थोड़ा सा ही तेल बचा हुआ था उसी से अभी मैं ये वाला लाल भाजी का जोर बनाऊंगी, तो इस तरीके से। तो अभी मैं सभी सब्जियों को डाल देती हूँ और इधर अभी हम लाल भाजी को भी डाल देते हैं साथ में और अच्छे से भून लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमारा लाल भाजी का जोर भी बन चुका है और पूरा धुआँ आ रहा है मेरे आँख में, तो बहुत ज़्यादा जलन कर रहा है मेरा आँख। सो ये देखिए इस तरीके से बनाई हूँ मैं लाल भाजी का जोर, बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। सो चलिए अभी इसको उतार के ले जाते हैं रूम में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लगा रहे थे झाड़ू और मेरा चूल्हा ही टूट गया। पोताई करने के लिए मैं झाड़ू लगा रही थी और मेरा चूल्हा ही टूट गया, ये देखिए पूरा इधर का पूरा टूट गया। तो इसको फिर से लिपाई करना पड़ेगा, अगर मैं इसको अभी लिपाई नहीं करूँगी ना तो फिर कल सुबह खाना बनाने नहीं होगा इसीलिए। सो चलिए अभी फटाफट से ना मिट्टी लेके आते हैं और इसको ना लिपाई कर देते हैं। सो अभी मैं मिट्टी को लेके आ गई थी और अच्छे से मैंने अभी गोबर के साथ मिला के अभी हम कर रहे हैं चूल्हा को लिपाई। तो इधर भी साइड साइड में अच्छे से मैं ना लिप देती हूँ। और अभी हम करेंगे पोताई साथ में, तो चलिए अभी पोताई भी कर देते हैं। और बाहर में भी पोताई करना है तो अंदर में पहले फटाफट से पोताई कर लेते हैं। और ये देखिए अभी हम बाहर में आ गए हैं पोताई करने के लिए, तो इधर भी एकदम
हो गया ना, तो अच्छा नहीं दिख रहा, तो इधर भी पोते ही कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने पोते ही कर दी हूँ और मेरे फेस पे भी चिटा लग गया मिट्टी मिट्टी। सो मैं बाल्टी को लेके आ गई हूँ कुआं में, तो फटाफट से करते हैं हाथ पैर धो के ना, फिर जाऊँगी। बर्तन वर्तन कुछ नहीं धोई हूँ, खाना वाना भी टिफिन में पैक करना है, खाना खाना है, कंगी वंगी करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने होता है। अभी आधा घंटा में मेरे को तैयार होना है, पूरा टिफिन पैक करना है, सभी सारा काम करके निकलना है, तो देखते हैं कर पाती हूँ या नहीं आधा घंटा में। तो चलो पहले फटाफट से पानी निकाल के मैं ना हाथ मुँह धो लेती हूँ। और अभी हम आ गए अपने रूम में, सो अभी टिफ़िन भी पैक करना है, तो अभी हम कर रहे हैं अपना टिफ़िन पैक। और बाबू भी आ गया है, उसको चाहिए था खाना इसीलिए, सो अभी हम निकाल रहे हैं अपने टिफ़िन में। और बाबू लेके आ रहा है अपने लिए थाली, तो उसको मैं अभी खाना दे दी हूँ। ये देखिए इस तरीके से मस्त अभी वही पास बैठ के खा रहा है, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा है ना आंगनबाड़ी जाने के लिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी में खा रहा है बाबू भी। तो इधर अभी हमारा टिफ़िन हो रहा है पैक, फाइनली अभी हो गया है, इसको मैं साइड में कर ली हूँ। और अभी ना हम अपने लिए निकाल रहे हैं ताली में खाने के लिए, और बाबू को पेट चाहिए था तो वो गिलास लेके आ गया, उसको मैं दे दी। और जितना भी खाना बचा हुआ है ना, तो वाला जो बर्तन है ना उसमें रख देती हूँ मैं सभी को निकाल के। सो चलिए फ्रेंड्स, अपना खाना खा लेते हैं। और मैं ना बर्तन बर्तन धो ली हूँ और साथ में थोड़ा सा कंघी भी कर ली हूँ। सो ये देखिए बर्तन हमारा साफ़ हो गया है, बस खाना खा के ना झाड़ू लगाना है और पानी भी भरना है। तो चलिए अभी फटाफट से ना खाना खा लेते हैं, और मैं अपना टिफ़िन उफिन भी झोला में डाल ली हूँ ये देखिए। और बाबू का कपड़ा नहीं धोई हूँ, तो ये देखिए टी शर्ट वगैरह ये पास है, तो अभी योगा तो कर दूँगी, नहीं तो फिर कल ही धो दूँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं खेत के लिए, मैं झोला वाला निकाल रही हूँ ये देखिए। तो झोला पर रख देते हैं साइड में ये पास, और अपना थाला चाबी ले लेते हैं। और लाइट नहीं है, लाइट गया है, तो लाइट को बंद करके जाती हूँ मैं। तो चलिए अब ना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और मैं ना थाला लगा लेती हूँ पहले। सो थाला हमारा लग चुका है, और अब चलते हैं खेत के लिए। और अभी हम पहुंच गए हैं खेत में ये देखिए, तो इधर से पैदल जाना पड़ता है, और इधर पूरा दान मन है, तो इधर नहीं काटे हुए हैं। सो ये देखिए मस्त दिख रहा है ना। अभी हम आ गए हैं घर खेत से, और आज ना थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को खेत से घर आते आते, तो अभी फ़िलहाल खाना नहीं बनाएंगे, चावल तो थोड़ा सा है ही। तो सुबह मैं ना चावल भिगो के रखी थी, और चना भी हामड़ बनाऊंगी सोच के भिगो के रखी थी, बट नहीं बना पाई, तो उसी को चावल को ना मैं पीस के लेके आ गई हूँ। और चना भी हमारा मस्त अच्छे से फूल चुका है, तो उसी का कुछ बनाएंगे। सो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं और कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ। और बाबू गया अपनी दादी के यहाँ, तो वो पहले चला गया, तो उसके लिए बना के मैं ना रख दे रहूँगी। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना चावल को पीस के लेके आ गई हूँ सिलपट्टे में, और ये रहा हमारा चना। और इसमें मैं सब्जी काट ली हूँ, प्याज और हरी मिर्च दो, और टमाटर। और इधर है हमारा सब्जी भी है, लेकिन चावल भी है। Can't make coast collide.
सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम बना लिए हैं चावल का पकौड़ा। वैसे मैं कभी नहीं बनाई थी चावल, मैंने सुबह सब्जी बनाने के लिए भिगोई थी बट नहीं बना पाई, तो इसी का मैं बना दी हूँ। ये देखिए पकौड़ा, और ये देखिए एक ना जल गया, एक नहीं दो जल गया, ये देखिए दोनों ही जल गए, और बाकी मस्त बने हैं मस्त। ये देखिए मस्त फूल गया है वैसे, ये देखिए। तो और साथ में ही मैंने सब्जी भी बना ली हूँ चना प्याज टमाटर का, ये देखिए इस तरीके से। सो और चावल वगैरह मैं लेके आ गई हूँ, तो चलिए फटाफट से खाते हैं। और बाबू तो नहीं है तो उसके लिए एक दो रख दूँगी या फिर लेके जाऊँगी, उधर ही खाएगा वो। सो चलिए अभी फटाफट से खाते हैं और मिलते हैं मैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, अभी हम खाना वाना खा लिए हैं और मैंने जैकेट भी पहन ली हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे वहाँ पे सोने के लिए, और मैंने बाबू का जैकेट भी ले ली हूँ, ये देखिए। तो अपना जैकेट वैकेट नहीं ले गया है, ऐसे ही गया है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करते हैं पे हैंड। सो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।